तालाब में तैरता मिला महिला का शव। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के ओरिया इलाके में तालाब में एक महिला का तैरता हुआ शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को तालाब को तैरते देख कोरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर कोरा थाना पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार महिला का मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वह घर से बगैर बताए बाहर निकली थी, जिसके बाद काफी समय तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन करना शुरू किया। इसके बाद अगले सुबह ग्रामीणों ने गांव के तालाब में एक महिला का शव तैरते हुए देखा तो यह सूचना उन्होंने कोरा थाने के थाने में दिया। तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सच है कि वो असहज थी और मानसिक रूप से विकलांग थी, पागल कह सकते हैं। उसको ये नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, है ना। तीन चार दिन पहले का ये घटना मैं आपको बता दूँ कि वो मेरे घर आई और 12,000 रुपये का मोबाइल माँ खरीद करके दी थी। वो हम बहुत बोले भी थे कि उसको नहीं खरीद ले, लेकिन वो नहीं रख पाएगी। लेकिन वो आकर के, क्योंकि उसमें नेट नहीं था, कागज नहीं चल रहा था, इसलिए वो फेंक दी। उसको समझ में ही नहीं आता था कि ये चीज़ कैसे हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि उसको जानकारी ही नहीं होता था कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अचानक रुक जाना, अचानक खुनक जाना, अचानक कोई ऐसा काम करना जिसके लिए कोई भी सहज नहीं होता था। उसको मन मनोबल करते थे तो काम कर लेती थी। लेकिन इस सब के बाद भी आज जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे मैं बता दूं कि हम वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन हम वहाँ 11 बजे देखे हैं। 11 बजे उनको बोली भी है कि भैया हम चाय बना दें आपके लिए, तो हम बोले नहीं बाबू, अभी हम तो आए हैं, एक और आदमी आए हुए साथ में, तो छोड़ दो आज चाय, है ना। तो उसके बाद इतना करके मैं चला गया। और अभी लगभग 2 बजे है और 2 बजे के 2.5 बजे है, आधा घंटा पहले हमको पता चल गया कि ये कुछ घटनाक्रम हो गया, हम आ करके देखें। तो जो दिखता है वो सच है ना।